हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में इमल्शन का टेस्ट करेंगे। 600 माइक्रोन आईएस सीव से पास करा कर देखेंगे उसमें उसका रेजिड्यू कितना बचता है एज पर आईएस 888-7-2017 के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या क्या यूज होगा हम लोग उसको देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये एसीटेन सॉल्वेंट है, इसको हम लोग सीव वॉश करने में यूज करेंगे, ये जाइलिन सॉल्वेंट है, ये हमारा इमल्शन सैंपल है, ये मेजरिंग जार है, ये हमारा कंटेनर है, ये 600 माइक्रोन की आईएस सीव है जिसका डाया 100 mm है, ये डिश है, ये स्टॉप वॉच है और ये सेलो डिश है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो सीव को पहले जाइलिन से फिर उसके बाद एसीटोन से हम लोग पास कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जाइलिन जो है बाहर निकलने पर वो गर्म हो जाता है एटमॉस्फेयर से संपर्क करने पे, तो इसलिए ग्लव्स लगाना बहुत जरूरी है। इस टेस्ट को पूरा सीखने के लिए आपको अंत तक मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ये टेस्ट करना है, क्योंकि YouTube में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें इस टेस्ट को करने के लिए बताया गया हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि आप सीख जाएं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। अब हम एसीटोन से सीव को वैसे ही पास करेंगे जैसे हम लोग ने पहले वॉश किया था। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वो चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वॉश करने के बाद हम लोग इसको 1 घंटे के लिए ओवन में रख देंगे। डिश के साथ हम लोग रखेंगे और उसका टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। फिर जब 1 घंटा हो जाएगा उसको निकाल के बाहर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे, फिर उसको हम लोग वेट कर लेंगे। वो वेट W1 होगा। अब 1 घंटा होने वाला है। वन नंबर हो गया है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका हम लोग वेट करेंगे। W1 आया है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। ये हमारा W1 हुआ है। इसके बाद कंटेनर का हम लोग वेट ले लेंगे, ये W4 होगा और इसको हम लोग फॉर्मेट में भर लेंगे। ये हुआ है 188 ग्राम। अभी क्या करना है,
4 लीटर इमल्शन को 600 माइक्रोन की सीव से सीव करना है। आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 लीटर को एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए एक एक लीटर को हम लोग मेजरिंग जार में लेंगे, फिर उसको हम लोग 600 माइक्रोन की सीव से सीव करेंगे एक एक लीटर का, यानी 4 बार करना पड़ेगा। एक लीटर सीव हो गया, अभी दूसरा लीटर ले रहे हैं, मैंने इसमें थोड़ा पेन से भी लिख दिया जिससे आपको दिखता रहे कि एक लीटर कैसे हो रहा है। अभी 2 लीटर हो गया है, देखिए ये तीसरा लीटर हुआ, इसको भी सीव कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूं। मेरे चैनल का मकसद भी यही है। अभी क्या करना है, जो इमल्शन सीव होके कंटेनर में आया है उस कंटेनर के सहित हमको उसका वेट लेना पड़ेगा। और याद रखिए सीव को डिस्क के ऊपर जरूर रखिएगा। इसका वेट ले लेते हैं हम लोग, फोर टू नाइन जीरो ग्राम आया है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ये डब्लू टू हुआ। अब W3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो इमल्शन सीम में बच गया है उसको हम लोग डिस्टिल वाटर से उसको वाश करेंगे, और जब तक वाश करेंगे कि जब तक पानी एकदम साफ सुथरा होके नहीं निकलने लगे, जैसे मैं कर रहा हूं आप लोग वैसे ही करिएगा। जब वाश हो जाएगा तब उसको हम लोग ओवन में रख देंगे। अभी व्हाइट कलर का पानी निकल रहा है, अभी वाश हो गया है। अब इसको डिश के साथ जो है 2 घंटे के लिए हम लोग रख देंगे टेम्परेचर 105 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद हम लोग इसका वेट ले लेंगे। वर्ष हो गया है, अब इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि 100 डिग्री से ज्यादा गर्म है। ठंडा करने के बाद इसको फिर से हम लोग वेट ले लेंगे, वो W3 होगा। अभी ठंडा कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसका
वेट ले लेंगे। वेट आया है 202.28 ग्राम। इसको फॉर्मेट में हम लोग नोट कर लेते हैं। इसके बाद हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W4 इनटू 100। कैलकुलेट करने पे आया 0.017%। IS कोड के हिसाब से 0.05% मैक्सिमम होता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।